येस स्टूडेंट्स हेलो वेलकम टू इजी बायोलॉजी टो वी आर कॉन्टिन्यूंगोटेक्नोलॉजीज इन द लास्ट क्लास हमने इसका मतलब देखा दैट वॉट इज मेन बाय बायोटेक्नोलॉजी और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या हम यूज कर सकते हैं वॉट आर द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तो हम इसके प्रिंसिपल्स को समझ रहे थे दैट वॉट आर

स्टूडेंट्स क्लोनिंग वेक्टर क्या है डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं हमारे डिजायर्ड जीन की कॉपी कर सकते हैं स्टूडेंट्स देखिए अगर मेरे पास नोट्स पड़े हैं ना आपको वो नोट्स चाहिए तो आप वो नोट्स का क्या करोगे यू विल मेक देम विलोटोस्टेट है ना आप उनकी कॉपी करवाओगे आप उनको फोटोस्टेट के लिए दे दोगे सो so, वैसे ही हमारे जो डीएनए होते हैं दिस इज ऑफ सेम टाइप ये क्या होता है उसमें वी आर हैविंग द क्लोनिंग वैक्टर्स ये क्लोनिंग वेक्टर्स के अंदर जो हमारा कट डीएनए था जो हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट किया था उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं उसको हम लाइगेट कर सकते हैं इनसाइड द क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर इज अ डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन कैरी अ फॉरन डीएनए सेगमेंट एंड रेप्लीकेट इन साइड द होस्ट सेल ठीक है तो क्लोनिंग वेक्टर्स के दो टाइप्स होते हैं प्लास्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेज व्हाट आर प्लास्मिड्स प्लास्मिड्स आर द ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए आपने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा होगा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है एक न्यूक्लियर्ड होता है और एक क्या है? होता है प्लास्मिड होता है दिस इज द बैक्टीरियल डीएनए ये बैक्टीरियल डीएनए के सिवाय प्लास्मिड्स भी जो होते हैं ठीक है अपने आप खुद से वो रेप्लीकेट कर सकते हैं तो अगर प्लाज्मेट्स के अंदर हम कुछ भी डाल देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा रेप्लीकेट हो जाएगा सो इन दिस वे वी कैन यूज द प्लाजमेट एज द क्लोनिंग वेक्टर

सो बैक्टीरियो फेज बैक्टीरियो फेज के अंदर बहुत हाई नंबर पर सेल होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा कॉपीज बनाने की टेंडेंसी होती है क्योंकि बैक्टीरिया क्या करते हैं बैक्टीरियो फेज होते क्या है बैक्टीरियो फेज आर द वायरसेस दैट इनवेड द बैक्टीरिया तो वो बैक्टीरियल सेल को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स इनवेड कर रहे हैं इनवेड मतलब ऑक्यूपाई कर रहे हैं जीत रहे हैं तो उस उसके अंदर जो वायरल डीएनए है वायरल है जो पार्टिकल वो अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाता है इसलिए इन कंपैरिजन टू द है, उसके पास बहुत ज्यादा कॉपीज बनाने की कैपेबिलिटी है ना स्टूडेंट्स, आप देखिए क्लोनिंग वेक्टर को भी एक होस्ट चाहिए जिसके अंदर वो रेप्लीकेट जिसके अंदर वो कर सकता है लिंक पीस ऑफ डी एन एज ऑल्सो मल्टीप्लाय टू द नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ वैक्टर्स अपनी जितनी कॉपीज बनाएगा हमारा जो जीन इन जर्डेड है उसके अंदर वो भी उतनी कॉपीज बना लेगा क्लोनिंग वैक्टर के अंदर ठीक है नेक्स्ट टीचर रिक्वायर्ड फॉर क्लोनिंग इन टू अ वैक्टर तो क्लोनिंग वेक्टर क्या फीचर्स हैं जो उसको एक अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑलिट हो नेक्स्ट इज सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए स्टूडेंट्स हो देखिए क्लोनिंग वेक्टर हम होस्ट के अंदर क्लोनिंग कर रहे हैं उस होस्ट के अंदर और भी क्लोनिंग वेक्टर्स प्रेजेंट होंगे तो हम कैसे पहचानेंगे सपोज करो कि मेरे मेरे स्टूडेंट्स हैं ठीक है आप लोग किसी कंपटीशन के अंदर जा रहे हो तो आप लोगों ने अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी होगी जिससे मुझे पहचान आ जाएगी कि हाँ ये स्टूडेंट्स मेरे वाले स्टूडेंट्स हैं ठीक है तो इससे मैं क्या कर सकूंगी पहचान कर सकूंगी वरना मैं इतने सारे स्टूडेंट्स के अंदर हजार स्टूडेंट्स के अंदर मैं कैसे पहचानूंगी कि मेरे स्टूडेंट्स कहाँ पे गए बट विद द हेल्प ऑफ द यूनिफॉर्म मैं आपको पहचान लूंगी तो वैसे ही वेक, वेक्टर होता है जो उसके पास भी क्या होना चाहिए एक मार्कर होना चाहिए जिससे उसको हम मार्क कर सकते हैं जिससे हम उसकी पहचान कर सकते हैं नेक्स्ट वी आर हैविंग द क्लोनिंग साइट्स हमारे पास स्टूडेंट स्पेसिफिक क्लोनिंग साइट्स होती हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं क्लोनिंग कर सकते हैं ठीक है वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स नेक्स्ट वी आर हैविंग द वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग द जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स तो हमारे पास प्लांट के लिए अलग से वेक्टर्स हैं एनिमल्स के लिए अलग से वेक्टर्स हैं सो वी हैव टू Uh, मतलब चूज करना पड़ेगा अगर हमें प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करना है या एनिमल oh, पे एक्सपेरिमेंट करना है तो क्लोनिंग साइट इज अ कॉपिंग साइट जहां पे वो अगर स्टूडेंट्स देखिए किसी क्लोनिंग वेक्टर के अंदर क्लोनिंग साइट ही नहीं होगी तो वो क्लोनिंग वेक्टर कैसा रहेगा नो no. तो रिस्ट्रिक्शन साइट्स देखिए ये वाली होती हैं ओरिजिनल रेप्लिकेशन होता है एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है जैसे कि सपोज करो मेरे पास होस्ट है होस्ट के अंदर बहुत सारे क्लोनिंग वेक्टर्स हैं तो मुझे अपने वाले की पहचान करनी है तो मैं आप लोगों का कैसे करूंगी कि आपके स्कूल का नाम बोलूंगी और आप लोग क्या कर जाओगे आ जाओगे मेरे पास ठीक है वैसे ही क्या है मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट जीन्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट और भी वैक्टर्स होंगे मैं मैं क्या करूंगी उसमें मेडिसिन डालूंगी उस मेडिसिन से बाकी की क्या करेंगे जो क्लोनिंग वेक्टर्स क्रोनिकांगे प्लाज्मा इस तरीके से हमारे पास क्या हो सकती है पहचान हो सकती है ठीक है रिस्ट्रिक्शन साइट्स जो थी वो मतलब कि ये जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स के बारे में स्टूडेंट यहां पर लिखा हुआ है दीज आर द साइट्स जो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यहां पे काम कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन के बारे में समझते हैं कि व्हाट इज ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन इट इज अ सीक्वेंस वेयर रेप्लीकेशन स्टार्ट अ पीस ऑफ डीएनए लिंक्ड टू ओआरआई कैन रेप्लीकेट विद इन द होस्ट सेल्स

कि अगर मेरे मेरे पास एक 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 मशीन है, वो टाइम एक पे एक ही कॉपी बनाती है, तो बहुत टाइम लगा इतनी तो ऐसा नहीं होना चाहिए ओरिजिन के पास ऐसी टेडेंसी होनी चाहिए कि जो हमारा स्पीड है वो फास्ट हो नेक्स्ट इज सिलेक्टेबल मार्कर मार्कर जीन इट इज दैट हेल्प्स टू सिलेक्ट ट्रांसफॉर्मेंट एंड एलिमिनेट द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए मैंने पहले बोल दिया जाएंगे? जाएंगे। तो मुझे क्या मिल जाएगा एक मार्कर मिल जाएगा मुझे पहचान करने का एक जरिया मिल जाएगा कि हाँ ये मेरे वाले जीन्स है हाँ ये दूसरे जीन्स है इफ अ पीस ऑफ बी एन एज इंट्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बैक्टीरियम It is called transformation. Such, such bacterium is called a transformant. If transformation uh, does not take place, it is a non-transformant. So transformation and non-transformation as a technique ye hote according to the Selectable markers of E. coli includes genes encoding to antibiotics like ampicillin, uh, chloramphicol, tetracycline, canamycin, etc. Normal E. coli cells have no resistance against these antibiotics. Okay? So normal cells have no resistance against these antibiotics but these cells have resistance against the antibiotics. Now cloning side. एलियन डीएनए दीडल और मोर देन इन इट इज नीडेड तो होनी ही चाहिए सो so दैट हम उसकी क्या कर सके पहचान कर सके एंड हम इसका प्रॉपर यूज कर सके उट एट साइड प्रेजेंट इन ऑफ दू एबायोटिक रेजिस्टेंट जी मुझे देखो, अगर मुझे अपना जो जीन है वो इंसर्ट करना है इंट्रोड्यूस करना है इन साइड ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग वैक्टर तो मैं उस साइट पे इंट्रोड्यूस करूंगी जहां पे मुझे मार्क ज्यादा मिलेगा फॉर एग्जाम्पल लाइगेशन ऑफ अ एट साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन अन डीएनएर थ्री टू तो मैं क्या कर रही हूँ फॉरन डीएनए का बैम एच वन साइट पे ये नाम है सारे ठीक है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है पीबीआर थ्री थ्री टू टू ये वैक्टर का नाम है एंड बैम एच वन साइट एक वहां पे जगह है जो टेट्रासाइक्लिन को रेजिस्टेंट है So these are all names. These names की से आपको डिफिकल्ट लग रहा है ना देखिए लाइगेशन हो या ना हो अगर लाइगेशन हो गई अगर लाइगेशन नहीं हुई नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नेक्स्ट यू आरविंग द्लोनिंग विद इन जीन ऑफ बैक्टीरिया जनल इनएक्टिवेशन तो कई बार क्या होता है इनएक्टिवेट हो, हो जाता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं इंजर्जनल इन एक्टिवेशन हेयर द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिक लूज टेक्ट्रोसाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंजर्जन ऑफ फॉरिन तो जिसकी वजह से जो टेक्ट्रोसाइक्लिन को रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाती है मतलब इट्स लाइक क्या जाती जाती है हो जाती है गड़बड़ हो जब हम जीन को इंसर्ट करते हैं तो उस उस गड़बड़ को प्रेवेंट करने के लिए वी हैव टू डू अदर थिंग्स हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स आर ऑप्टेन्ड दी Students, बोला गया था कि हमारे पास मार्कर होना चाहिए जिससे हम क्या कर सकें पहचान कर सके क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम काम कर रहे हैं वो हुआ या नहीं क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी इज नॉट एनीथिंग दैट कैन बी सीन माइक्रोस्कोपिकली उसको माइक्रोस्कोपिकली करके देखना पड़ेगा भी उसकी पहचान करनी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है इसीलिए मैंने आपको बोला था लेट हमारे पास एक मार्कर होना चाहिए जिससे हम क्या कर सके पहचान कर सके अब जो क्लोनिंग साइट्स है स्टूडेंट दे आर ऑफ थ्री टाइप्स है ना नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जो ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुई जिनके पास दे आर हैविंग नो प्लाज्मेट सो दे आर नॉट रेजिस्टेंस टू आईदर टेट्रोसाइक्लिन और एम्पीसीिन तो टेट्रोसाइक्लिन के अगेंस्ट बीस इसकी रेजिस्टेंस नहीं है एम्पीसिल्स विद नॉन रिकॉम्बिनेट प्लाज्मेड देाइक्लिन एंड एम्पीसिलिन दे आर रेजिस्टेंट ओनली टू एम्पीसिलिन क्योंकि हमारा जो रिकॉम्बिनेट प्लाज्मेड है वो सिर्फ और सिर्फ एम्पीसिलिन के लिए रेजिस्टेंट है तो वी आर हैविंग दीज ओनली एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट प्लाज्मिट So next is recombinant plasmids can be selected out from non-recombinant ones by plating the transformants on ampicillin medium. तो स्टूडेंट्स अब देखो एम्पीसिलेन मीडियम पे रख के हम पहचान कर सकते हैं कि कौन से हमारे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स कौन से हमारे हैं। आर ट्रांसफर्ड ऑन है ट्रांसफॉर्मेंट्साइक्लेन मीडियम ठीक है तो हमें पहचान आ जाएगी कि कौन से हमारे नॉन एम्पीसिल आर द ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड टेक्ट्रा से जो मर गए दे आर द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ठीक है सपोज करो कि मुझे मेरे वाले बच्चों की पहचान करनी है ठीक है तो मैं क्या करूंगी मैं दो टेस्ट रखूंगी एक तो बेसिक टेस्ट बेसिक जो मैंने भी करवाया दूसरे टीचर्स ने भी करवाया एंड एक हो जाएगा स्पेसिफिक टेस्ट जो सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों को आता है तो इससे क्या हो जाएगी मुझे अपने बच्चों की पहचान हो जाएगी कि ये मेरे वाले स्टूडेंट्स हैं और क्यों क्यों क्योंकि उनको मेरे वाले तरीके के साथ लैब हैंडलिंग या फिर कुछ भी कॉन्सेप्ट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो पता है नेक्स्ट इज द रिकॉम्बिनेट्स ग्रो इन एम्पीसिलन मीडियम बट नॉट ऑन द टेट्रासा मीडियम तो रिकॉम्बिनेंट्स एम्पिसल के ऊपर ग्रो कर जाएंगे लेकिन टेट्राइक्लिन के अंदर ग्रो नहीं करेंगे लेकिन नॉन रिकॉम्बिनेट्स सब दोनों मीडियम के ऊपर क्या कर जाएंगे ग्रो कर जाएंगे तो इससे मुझे पहचान हो जाएगी कि ये मेरे मीडियम है और ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट अज वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेल्प टू सिलेक्ट द ट्रांसफॉर्मेंट एंड इनएक्टिवेट एंटीबायोटिकल्प टू सिलेक्ट द रिकॉम्बिनेट्स तो हमारे पास एक तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जीन होगा जो बिल्कुल ही मर जाएगा एक होगा हमारे पास ट्रांसफॉर्मेंट जीन, जीन जो रिकॉम्बिनेंट है और एक होगा ट्रांसफॉर्मेंट जीन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है तो हमें क्या करना है तीनों टाइप को एक दूसरे से क्या करना है सेपरेट करना है एंड ये कैसे हो सकता है ये हमारे पास भी हो सकता है अगर हमारे पास रेजिस्टेंट जीन्स जो है मोर देन वन प्रेजेंट but this type of selection of recombinant is a difficult procedure because it needs a simultaneous plating on two plates having different antibiotics so alternative selectable markers have developed based on their ability to produce color in presence of chromogenic substrate the chromogenic substrate is though, uh, that substrate Which gives us the कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एनी मार्कर सो हमें डिफरेंट एंटीबायोटिक्स से अगर सपोज करो हमारे जो रिकॉम्बिडेंट्स अगर वो मर ही गए मरने के बाद हमें पहचान kewal hai हमारे recombinant se उसका क्या फायदा तो इसके एडिशन uh, में हम क्या कर सकते हैं क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट भी यूज कर सकते हैं in this a recombinant dna is inserted into the coding sequence of enzyme beta galactosidase so that the gene is activated that is insertional inactivation such colonies do not produce color these are identified as recombinant colonies if the plasmid in bacteria ha have no an insert इट गिव्स ब्लू कलर कॉलोनीज इन द प्रेजेंस ऑफ द क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट तो जैसे ही हम मेडिसिन को यूज कर रहे थे पहचान करने के लिए वैसे ही हम क्या कर सकते हैं एक कलर्ड सब्सटेंस को यूज कर सकते हैं पहचान करने के लिए ये, ये 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 देखिए हमें ब्लू और व्हाइट कॉलोनीज दिख रही हैं तो ब्लू कॉलोनीज हमारी रिकॉम्बिनेंट है कॉलोनीज हमारी नॉन रिकॉम्बिनेंट है सो so, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं पहचान कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज की तो इसीलिए हमारे पास जो क्लोनिंग वैक्टर्स अभी आपको समझ आ रहा है ना शुरू में हमने क्या किया वी हैड रेड अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी वॉट इज मेन बाय द बायोटेक्नोलॉजी उसकी एप्लीकेशन क्या होती है कहाँ पे होती है फिर हमने क्या किया था उसके बारे में पढ़ा था कि कैसे हम एक जीन को इंसर्ट करके उसको कैसे वर्कआउट कर सकते हैं तो धीरे धीरे करके हमने सारी चीजों को समझा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में समझा अब हम क्लोनिंग साइट्स के बारे में समझ रहे हैं देन हम जो रेजिस्टेंस है उसके बारे में सिलेक्टेबल मार्कर के बारे में भी हमने यहीं पर पढ़ लिया एंड देन इन दिस वे हमारा सारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे रिकॉम्बिनेशन मतलब जीन्स की ऑल्टरेशन चेंजिंग एंड ऑल कैसे करते हैं

उसके बाद हमने उस जीन की कॉपीज बनाई क्लोनिंग वेक्टर के अंदर अब हमने क्या करना है अपने होस्ट के अंदर इसको इंसर्ट करना है और फिर जो होस्ट होगा हमारा जैसे प्लांट है या कोई भी एनिमल है तो वो क्या करेगा एक्सप्रेस करेगा उस कैरेक्टर को फिर हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये ये कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ है एंड ये कैरेक्टर एक्सप्रेस होने के बाद इसका ये इफेक्ट पड़ा है फॉर एग्जाम्पल

Agrobacterium tumefaciens can deliver a piece of DNA that is transfer DNA to transform normal plant cells into a tumor. तो so, ये जो Agrobacterium क्या करेगा? Infection cause करेगा हमारे plant cell के अंदर normal plant cell के अंदर जो भी normal हमारे पास plant cell है

तो हम इसके अंदर अपना जीन इंसर्ट कर देंगे क्योंकि हमें पता है कि ये अंदर जाएगा और इन्फेक्शन कॉज करेगा बट स्टूडेंट्स अगर इसने इंफेक्शन ही कॉज कर दी तो हमारा प्लांट तो एक्सप्रेस होने से पहले ही मर जाएगा या फिर इन्फेक्टेड इंफे, हो जाएगा डिसीज प्लांट के अंदर हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो अच्छे से नहीं दिख पाएंगे इसलिए हम क्या करते हैं इन्फेक्शन वाले जीन को रिमूव कर देते हैं और हमारा जो यूजफुल जीन है उसको इंसर्ट कर देते हैं सो इन दिस वे वॉट हैपन्स क्या होता क्या है इस, इस तरीके से जो हमारे पास यूजफुल जीन है वो एक्सप्रेस हो जाता है और जो हार्मुल जीन है वो नहीं जाता और मोर ओवर इस बैक्टीरिया के पास तरीका होता है कि प्लांट सेल को कैसे इन्वेट करना है हम उस तरीके को भी क्या कर रहे हैं रिड्यूस कर रहे हैं तो यही चीज यहाँ पर लिखी है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मेड ऑफ ए इज मॉडिफाइड अ क्लोनिंग वैक्टर विच इज नॉट पैथोजेनिक अब हमने क्या किया पैथोजेनिक जो जीन था जो जीन इन्फेक्शन कॉज कर रहा था उसको हमने क्या कर लिया रिमूव कर लिया एंड जो दूसरा जीन था नॉर्मल उसको हमने क्या कर लिया इंसर्ट रहने दिया नाउ वी आर हैविंग रेट्रोवाइर तो रेट्रोवाइरिस एंड एनिमल्स कैन ट्रांसफॉर्म द नॉर्मल सेल्स इन टू द कैंसरस सेल्स सो दे आर यूज टू डिलीवर द डिजायरेबल जीन्स इन टू द एनिमल सेल्स तो जैसे हम ए

only the gene that is useful to us will be present. Hoga. Next the competent host for transformation with the recombinant DNA.

सो so दैट वो जो हमारा वैक्टर uh, है उसको क्या कर सके इंसर्ट कर सके ठीक है तो हम डिफरेंट डिफरेंट केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं जिससे हमारा जो जीन है वो अच्छे से ट्रांसफर हो सके इनसाइड द

दैट इज देर गिवन दीट शॉक ठीक है पहले हमने क्या किया स्टूडेंट पहले हमने कैल्शियम क्लोराइड या डायवेलेंट कैल्सियम केटन से उसको क्या किया ट्रीट किया देन वी आर गिविंग से क्या होगा ये प्लाज्मेट जो है प्लाज्मेट इज हाइड्रोफिलिक वॉटर लविंग है तो सेल मेम्रेन से क्रॉस होने में इसको प्रॉब्लम होगी इसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं इसको ये सारे ट्रीटमेंट देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके बाद हम उसको हीट शॉक ट्रीटमेंट दे रहे हैं फॉर टू मिनट्स एंड उसके बाद जो हमारा प्लाज्मेट है बैक्टीरिया टू टेकअप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए नाउ अवर बैक्टीरिया हैलरेडी टेकन अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसने ले लिया है सो मीन इट हैज बीन ट्रांसफॉर्म तो ये क्या हो गया है ट्रांसफॉर्म हो चुका है नाउ अदर मेथड्स दैट वी कैन डू इज अभी हमने क्या किया ट्रीटमेंट उसका केमिकल मैथमें ऑल्टर करके फिर अदर थिंग्स से हमने ये जो हेल्प ली बट वॉट वी कैन डू इज हम टेक्नोलॉजी इंजेक्शन जैसे एक माइक्रो इंजेक्शन आता है टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं जिससे हमारा जीन जो है या प्लाज्मिक जो है या क्लोनिंग वेक्टर जो है वो डायरेक्टली हमारे होस्ट सेल के अंदर जा सके ये देखिए आप देख सकते हैं इन दिस पिक्चर दैट द द पर्सन इज इंजेक्टिंग जीन डायरेक्टली इन द प्लांट सेल तो इस तरीके से भी क्या है हमारा जो जीन है दैट कैन बी इंसर्टेड इंटू द प्लांट सेल सो दर्स्ट टेक्निक माइक्रो इंजेक्शन इंजेक्टेड इन टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल

थैंक यू एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये कंप्लीट कर लेंगे ये जो हमारा टॉपिक है थोड़ा सा रह गया इसका सेकेंड पार्ट रह चुका है टिल देन स्टूडेंट थैंक यू एंड हैव अ